यशोमती मैया के नंदलाला। बताओ ना प्रभु, कब दोगे मेरे प्रश्नों का उत्तर? शीघ्र ही मेरे सखा आने वाले हैं, तब तक आप खेलोगे मेरे साथ? ये कौन सा खेल खेल रहे हो नारायण? इतना तो बता दो कि मेरे यहाँ आने का उद्देश्य क्या है? बस कुछ समय की प्रतीक्षा और शेष है उड़ना, तुमने शीघ्र ही सब कुछ पता चल जाएगा। मैया ने शीघ्र आने को कही थी, ना गए तो दंड मिलेगो। दंड? हाँ। मुझे तो आज ही मिलो है, एक से बीस तक पहाड़े सुनाने चे, ने ना सुना पायो। दंड तो मुझे भी मिला था, बीस उठक बैठक कराई थी मैया ने। मेरी सोचो, दो गुना दंड मिलता है मुझे। कभी मैया उल्टी टांग पे खड़ा कर देती है, तो कभी दादी सीधी टांग पे। अच्छा ये ना संतुलन बन जाते है। तो क्या सबको अपनी मैया से दंड मिलता है? हाँ। दाऊ आपको भी? हाँ मिलता तो है। क्यों, तुम्हें कभी दंड नहीं मिला का ना? हाँ एक बार कान पकड़ा था मैया ने, और एक बार डांटा भी था, पर दंड तो कभी ना मिलो। वैसे कहा ना, दंड का भी एक लाभ होता है। लाभ? हाँ, सारी माए पहले दंड देती है और फिर दो गुना प्रेम करती है। जितना बड़ा दंड उतना ढेर सारा प्रेम। हाँ, सही कही। तो मैं भी आप जाके मैया से बहुत सारा दंड मांगूंगा। मांगने से नाम मिलता है दंड, वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। अरे कान्हा कहाँ चले? अपनी मैया से दंड मांगने। मैया की ममता और उसके सारे रूप देखने के लिए ही तो जन्म लिया है मैंने। तो मैया से दंड पाने और उस दंड के बाद दो गुना स्नेह पाने से वंचित क्यों रहूं? मुझे भी दंड चाहिए। श्री हरि, श्री नारायण। क्या हुआ प्रभु, रुक क्यों गए? मुझे लगा कोई मुझे पुकार रो है। श्री हरि, आज तो बहुत विलंब होगा है। शीघ्र ही तैयार होके सारे कार्य भी निपटाने हैं। जी गजरा, बस ये जानकी कर रह गया होगा, कान्हा से भिजवा देती हूँ। अरे ये तो मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए। तुम्हारे केसों में सच करना जे और भी सुंदर हो जाएगा। जे आप लेके आए हो सच्ची? हाय कितनी भाग्यवान हूँ मैं, आज कितने माह के बाद, माह ही ना कितने वर्षों बाद मेरे पति देव को जो स्मृति आई है कि मुझे गजरे कितने प्रिय हैं। इतने प्रेम से लाए हो फिर भी ताना मार रही
ताने ही में तो छुपो है। क्या क्या? अब आप मुझे तैयार होने दो, पक्का पहनूंगी। जाओ। मांगने से नाम मिलता है दंड, वो तो कछु गड़बड़ करे तो मैया अपने आप ही दे देती है। लल्ला छोड़ दे, तेरे बाबा बहुत प्रेम से लाए मिलने दे। कान्हा क्षमा करना मैया, मैंने आपका गजरा गिरा दिया, ये तो गंदा हो गयो, अब आप मुझे दंड दोगी? इतनी छोटी सी बात के लिए मैं अपने लल्ला को दंड क्यों दूंगी भला? इसे धो के पहन लूंगी, हम इसे छुइयो मती, बहुत विशेष है जी। लो कर लो बात, मैया ने तो दंड दिया ही नहीं, कुछ बड़ा करना होगो। ऐसी कौन सी शरारत करूं कि मैया से दंड मिल जाए? सुनो जी, इतनी सारी माखन की मटकियां बाहर रख रो, भूला और बंसी सगड़ में रखवा देंगे, निकट के गांव में सूखे का प्रकोप बढ़ गया, तनिक सहायता हो जाएगी। ध्यान से जी, अभी अभी पूरा घर स्वच्छ किया मैंने। पापा ठहरो, मैं भी आपकी सहायता करता हूँ। अरे काना रहने दे। तो सच हुआ था, मैंने फिर से गंदा कर दियो, अब तो पक्का दंड दोगी आप? कोई बात ना है लल्ला, तेरी भावना तो अच्छी थी ना, वो ही महत्वपूर्ण है, स्वच्छ तो फिर हो जाएगा। जा पोछने के लिए एक वस्त्र ले। मैया ये वाला? ना ना, इतना सुंदर मलमल का वस्त्र है, उसे व्यर्थ क्यों करे? अरे छोटा सा वस्त्र है यशोदा, क्या कार्य आएगो? क्या पतो, कभी अवसर पड़े पे कार्य आ ही गया तो। मैया भी ना कितने जो जाती है वस्त्रों से भी, ये सब मुझे जब छोड़ना हो तब तो कैसे संभालेगी स्वयं को? लगता है फिर से तीव्र स्वर में बोल दियो मैंने, ये ठीक है भैया? हाँ जी वाला ले आ। ला। दे। ऐसा क्यों कहा इन्होंने, क्या ये कोई संकेत है? क्या काना कोई संकेत दे रहा है? ले मौसी,
कान्हा, मिट्टी क्यों खोद रहे तू? मिट्टी? कान्हा कछु ना है, छोड़ उसे। क्या आवश्यक है बाबा? अच्छा ठीक है, ना तू सही कह रहा है, कछु तो है यहां। नंद भवन लिखी हुई सिला जी, या कहां से आई? बाबा जहां हम होंगे वही तो नंद भवन होगा, चाहे गोकुल में हो या कहीं और। कहीं और? सुबह सुबह बोल लल्ला, जे गोकुल ही तो हमारो घर है, हम कहीं और क्यों जाने लगे भला? भवन बनते समय रह गई होगी जी। ये भवन तो 10 को पहले बना है, तब से ये यहाँ कैसे पड़ी हो सकती? नंदराज, नंदराज, उपनंद जी का संदेश आयो है, उन्होंने आपको छोटे तालाब पे बुलायो अभी अतिशीघ्र। मैया से दंड प्राप्त करना सरल ना है, वैसे इतना श्रम तो माखन चुराने में भी ना लगतो, मैं तो थक गो। मिट्टी खोद खोद के थकान हो गई लल्ला, और भूख भी लग गई। ले, ले माखन खा ले। ना, मुझे दूध ही पीनो है। अभी खा ले लल्ला, थोड़ी देर में दूध औंट के दे दूंगी। ले। मुझे दूध ही चाहिए है भैया। अच्छा देती हूँ, थोड़ी देर ठहर जा। मैया अभी दो ना तीव्र भूख लगी है। अच्छा रुक, अभी ला रही हूँ। ऐसो दृश्य तो पहले कभी ना देखो। गोकुल के आसपास जितने भी गांव हैं, सभी के तालाब ऐसे ही सूख गए नंदराज। कुएं का जल भी बहुत गहराई में उतर गए हैं, और इस बार तो ठीक से वर्षा भी ना हुई। क्या विचार है नंद? हमें गांव वालों को इस संकट के बारे में सूचित कर देना चाहिए, ताकि वो इसके लिए तैयार हो सके। नहीं भैया, अभी गोकुल के पास अपनी गैयाओं को चराने के लिए पर्याप्त मात्रा में चारा उपलब्ध है, जलाशयों और कुओं में जल भी है। ऐसे में इतनी शीघ्र उन्हें बताने से सब लोग घबरा जाएंगे। हाँ, तो उन्हें ना बताना ही सही होगा। सही तो यह होगा भैया कि हम इस संकट का समाधान निकाल लें, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। ले, ना अधिक गर्म है ना अधिक ठंडा, पी ले।
क्या हुआ लल्ला? अभी तो दूध पीना था, अब पी क्यों ना रहा? पीनो है तो आपके हाथ से आज पी ले लल्ला। देख मैया को कितना काम पड़ो है। पिलाओ ना मैया, फिर खेलना भी जानू है। तो मेरा अच्छा लल्ला है ना, आज पी ले, कल मैया अपने हाथ से पिलाएगी। आप पिलाओगी तब भी पेट भरेगो ना, तो मैं भूखा ही रह जाऊंगी। बहुत चतुर है तू, कुछ ना कुछ करके अपनी बात मनवा ही लेते हो। आजा शीघ्र पी ले, नटखट कहीं का। हे नारायण, दूध औटने के बाद हांडी चूल्हे पे छोड़ दिए। उतर 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 लल्ला। मैया को कोई मेरी चिंता ही ना है, केवल गजरा मक्खन वस्त्र माखन और दूध महत्वपूर्ण है इनके लिए। और क्या था होगा? कोई भगवान को छोड़कर सांसारिक वस्तुओं की ओर भागेगो तो भगवान तो रुष्ट होंगे ही, पर ये कान्हा रुष्ट होकर करने क्या वाले हैं? मैया को आजकल मेरी चिंता ही न रहती। आओ वानर महाराज, तुम ही मेरे सच्ची मित्र हो, इसीलिए केवल तुम आयो मेरा कष्ट आधा करने। पता है मैया का मन भर गया है मुझसे, तभी तो मैं मेरी छाया मेरी भू इन सबके स्थान पर अन्य वस्तुएं महत्वपूर्ण हो गई है उनके लिए, इसीलिए पूरा भी दूध ना पिलाया, बीच में उठ के चली गई। जिसका दूध तो इधर ही रहेगा। अभी तक देखो पूछने भी ना आई। अरे मेरे पास तो इतना ही था। अच्छा है सखा, और वैसे यही तो था फुगू की सहायता करने के लिए। पूर्णा मौसी, ये किसने करो? Yeah.
कान्हा मती मानो, पर जब ये अपने ही घर में चोरी करेगा ना तब मानना पड़ेगा जशोदा जी। कान्हा जशोदा जी, मैंने अपनी आंखों से देखा है प्रभावती को आपके कान्हा को पकड़ते हुए। हाँ भाभी, मैंने भी देखा था। हाँ हाँ, हमने सभी देखा था। ओ मैया, ऐसा दंड थोड़े ना चाहिए था मुझे। कान्हा रुक, कान्हा मैंने कहीं ना वही रुक, कान्हा कान्हा रुक। कान्हा कान्हा वही रुक रुक, अंतिम बार कह रही हूं, ना तो ठीक ना होगा। रुक कान्हा, आज तो तुझे दंड अवश्य देके रहूंगी, देखती हूँ कब तक भागता है। तू जिन्हें पकड़ना चाहती है ना यशोदा, उनके आभा मंडल में पहुंचने के लिए ऋषि मुनि योगी सहस्रों वर्षों तक तप करते हैं, तब भी उनके निकट नहीं पहुंच पाते हैं। कान्हा है ना, तो मैं भी यशोदा हूँ, पकड़ के रहूंगी तुझे। रुक आगे भागे भोले कान्हा, पीछे पीछे मैया, सप्त ऋषि और देव सभी है देख रहे ये लीला। परछाई भी पा सके ना संत मुनि जिसकी, पकड़ पाए उस नारायण को कैसे यशोदा मैया। लल्ला, अब तेरी मैया थक गई, अब तो हाथ आ जा। मैं भी तेरी मैया हूँ लल्ला, तेरी गति को अपनी चतुराई से थामूंगी। जब कोई पूरी भक्ति के साथ भगवान के पीछे भागे तो भगवान मिल ही जाते हैं। अब बोल कहाँ भागेगा। सारी गोपियां तुझे रंगे हाथों ना पकड़ पा रही थी तो मैं मूर्ख उन्हें दोष दे रही थी। मुझे क्या पता था कि मेरा लल्ला सच्ची में। मैंने तो कही थी जशोदा जी, पर आप ही मानने को तैयार ना थी। यही सच है ना तेरा, सबके घर से माखन चुरा के मेरे सामने भोला बनता था। अब देख कैसा कड़ा दंड दूंगी तुझे।
तो लगा था मेरी सखाओं की तरह मैया मुझे भी कोई छोटा मोटा दंड देगी, पर लगता है सबसे भयंकर दंड मुझे ही मिलने वाला है। इन्हें देखिए तो महादेव, भयभीत कम है और स्वांग अधिक रच रहे हैं। ये मेरा लल्ला कितना भयभीत हो गया है, कितना कोमल है जी, कैसे मारूं इसे, और वो भी इस छड़ी से। मैया बहुत तीव्र तो ना मारूंगी ना लल्ला, मैं तुझे सच्ची थोड़े ना मारने वाली थी, मैं तो बस तनिक भयभीत कर रही थी तुझे। लल्ला, लल्ला आंखें खोल, देख देख, मैंने छड़ी फेंक दिया। खोल आंखें, देख देख देख, जे क्या जशोदा जी, आपने तो कही थी कि जब जब पकड़ा जाएगो आप इसे दंड दोगी, पर इसके आंसू देखते ही आप पिघल गई। सच्ची भाभी, इसके कौतुक देखकर हमें भी ऐसा ही लगता है जैसे भूल इसने ना हमने ही कर दी हो। ये सबकी सब दोबारा क्यों फस। आज तुझे तंग देखे तुझसे अधिक पीड़ा तेरी मैया को हो रही है। आपको दंड दे रही है, मुझे कुछ करना पड़ेगा। देखो तो कितना श्वेत भैरव है। अब बहुत हो गया, मैं खोल रही हूँ उसे जाके। ठहरो संकरी, जसोदा के पीठ पीछे दंड को पलटना उचित ना होगो। जिसने दंड दिया है क्षमा करने का अधिकार भी उसी का है। तो मौसी, जे सब का आरंभ हमने किया है तो अंत भी हम ही करेंगे। द्वार खोलिए जसोदा जी, बस अब बहुत हो गो, हमने काना की चुगली लगाई थी ना, अब हम ही शिकायत वापस ले रही है। भूल मेरी, मैंने इन सब की बात पहले ना सुनी, जिसके कारण काना का साहस बढ़ता चला गया और इन सबको माखन और मटकी की हानि होती चली गई। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जीजी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। ना, मेरे कान्हा के कारण इन सबको जो हानि सहनी पड़ी है मैं उसकी भरपाई करूंगी। कम से कम उस देर के लिए तो मैया का ध्यान भटका, अब मेरे दंड के कारण वो स्वयं को कष्ट नहीं देगी। Thank you.
सारी भरपाई कर दूंगी, पर किसी की हानि ना होने दूंगी। कोई रिक्त हाथ ना जाएगा आज। यशोदा जी, द्वार खोलिए यशोदा जी, बस अब बहुत हो गो। हमने कान्हा की चुगली लगाई थी ना, अब हमें शिकायत वापस ले रही है। हम अपनी शिकायत वापस ले रहे भाभी, खोल दो ना उसे। हाँ जी जी, अब बहुत हो गो, अब और दंड की आवश्यकता ना है। भाभी बस कर दो, अब खोल दो कान्हा को। जीजी जीजी, द्वार खोलो। जीजी यशोदा जी, मुझे पता है तुम सबको क्या चाहिए। भीतर आओ। यशोदा कर क्या रही है? श्री हरि, नारायण हरि। ये कैसा खेल रच रहे हैं प्रभु? आज तो बहुत प्रसन्न होंगी ना तुम सब। देर लगी पर यशोदा जी के सामने सत्य आ ही गया। जे यशोदा झूठी और तुम सब सच्ची सिद्ध हो गई। अब तो यशोदा जी को मानना ही पड़ेगा कि उनका कान्हा सच्ची में माखन। तुम सबके मन में क्या है भली भांति जानती हूं मैं। बहुत हानि की है ना तुम सबके कान्हा ने, जे रही उसकी भरपाई। बस अब तुम सब मुझे और मेरे कान्हा को क्षमा कर देना। ले सुमती। ना जीजी, जे तो ना ना रख ले। वैसे तो उसे इतना कड़ा दंड दियो है ना कि आगे से ऐसा कोई कार्य ना करेगो, पर यदि करो ना तो जे चांदी की मटकी है जे टूटेगी ना। लो सुलक्षणा। ना यशोदा जी, जे भरपाई ना चाहिए हमें। हम तो बस इतना चाहते हैं कि आप जाओ और कान्हा को खोल दो। ले, अरे ले ना भाभी, हमें ये सब ना चाहिए। हम यहाँ किसी हानि की भरपाई के लिए थोड़ी ना आए हैं। हम तो यहाँ बस ये कहने आए हैं कि आप कान्हा को छोड़ दीजिए ना वहां से। ले जाके भाभी। भाभी सच्ची बात तो ये है कि उससे अधिक पीड़ा आपको हो रही है और हम सबको ये बात पता है। तो फिर क्यों भाभी, क्यों उसे इतनी धूप में बांध रखा है आपने? यदि कान्हा ने इससे अधिक माखन खाया हो तो बता देना, और दे दूंगी मैं। जितना चाहिए उतना ले जाना। न छुपा सके हैं, बांधा तो इसने अपने लल्ला को है, पर बंधा है इसका हृदय अपने कान्हा से, और उसकी तड़प अभी भी अपने हृदय में यहां पर महसूस कर रही है। कितना सारा भार ढो रहे हैं फिर भी कितनी सरलता से चल रहे हैं। दामोदर कृष्ण का यह दृश्य ये सिद्ध करता है कि जब व्यक्ति का ध्यान अपने लक्ष्य पर केंद्रित हो तो दुर्भाग्य का भार कितना भी क्यों ना हो उसके पाव की बेड़ी नहीं बन सकता। तो ये शिक्षा दे रहे हैं प्रभु
व्यक्ति के कंधे चाहे अतीत के कष्टों तले करा रहे हो या दायित्व के भार तले दबे जा रहे हो, उसे सदैव आगे बढ़ते रहना चाहिए। यदि कोई ऐसा करने में सफल हो जाए तो कुछ समय बाद उसे अपने भार का अनुभव ही नहीं होगा। उसका आत्मविश्वास और शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि वो स्वयं ही अपने मार्ग में आने वाले अन्य कष्टों का सामना करने में समर्थ हो जाएगा और अंत में अपना उद्देश्य पाने में सफल हो पाएगा। बस कर जशोदा, तुझे क्या लगता है कि हमें ना बताए कि तू क्या चाहती है? तू चाहती है कि अभी दौड़ के जाए और उसे खोल दे, तो क्यों रोक रही है अपने आप को? हाँ जशोदा जी, आप ना जाओगी तो मैं स्वयं जाके खोल दूंगी। ना, मैंने बांधो है ना, तो मैं ही खोलूंगी। श्री हरि नारायण हरि, श्री हरि नारायण हरि। क्या हुआ नलकुवर, कहाँ खो गए मनीकरी? पहचाना नहीं क्या? मैं वही हूँ जिसका नाम तुम दोनों युगो से जप रहे थे। नारायण हरि, श्री हरि। प्रभु वसुदेवसुतं देवं हंसचाणूरमर्दनम् यशोदपरमानन्दम् प्रभु, आपने हम पापे भाइयों को दर्शन देकर हमारा उद्धार कर दिया। प्रभु, हम हैं तो श्री कुबेर देव के पुत्र, किंतु हम इतने सौभाग्य के योग्य नहीं है। हमसे घोर पाप हुआ था प्रभु। अद्भुत अद्भुत आनंद है इस वारुणी में। लड्डू लुना। श्री हरे नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। क्या हुआ, तुम रोग रुक क्यों गए? लगता है इन्हें आनंद चखाना पड़ेगा। नलकुवर, कुबेर के पुत्र हैं हम, ये जो भी हो हमें क्या। श्री हरे नारायण हरे, नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे। नलकुवर, मणिग्रीव बुद्धि भ्रष्ट हो गई है क्या, या फिर इतने उन्मत्त हो गए हो कि तुम्हें ये बात का भी ध्यान नहीं है कि पूरी तरह नग्न हो? हाँ, है तो? तुम दोनों को तनिक लज्जा भी नहीं है, उन्मत्त हाथियों की तरह जल क्रीड़ा कर रहे हो। ये भी भूल गए तुम कि श्री कैलाश से बहने वाली पवित्र माँ मंदाकिनी की गरिमा और मर्यादा को भंग कर रहे हो। ऐसी कौन सी मर्यादा भंग कर दी हमने देवऋषि? तो आप चाहते हैं कि हम लज्जित हो, पर किस लिए देवऋषि? केवल इसलिए कि हमें सुंदर और बलिष्ठ धन प्राप्त हुआ है, या फिर इसलिए कि हमारे पास अथाह धन है, सुख सुविधा का साधन है, जिससे आप वंचित हैं देवऋषि? इन तामसिक विचारों पर
और इस दुष्कृत्य पर लज्जा आनी चाहिए तुम दोनों को, लज्जा आनी चाहिए अपने अभिमान पर। तुम दोनों का जन्म कुबेर के वंश में इसलिए नहीं हुआ कि अपना जीवन मदिरा और भोग विलास में व्यर्थ कर दो। यदि तुम्हें इस जीवन का सौभाग्य मिला है तो इसलिए, ताकि तुम कुछ परोपकार कर पाओ, समाज का, विश्व का कल्याण कर पाओ। अरे देव ऋषि, हम कल्याण ही तो कर रहे हैं यहाँ पे, इन स्त्रियों का, इस मदिरा का और इस जीवन का। जड़ बुद्धि और अहंकारी हो तुम दोनों। तुमसे श्रेष्ठ तो वृक्ष हैं, जो नग्न होकर भी अपने जीवन को विश्व कल्याण के लिए अर्पित करते हैं। अब हम आपको कैसे समझाएं ऋषि कि हम वृक्ष नहीं हैं। आज से अगले 100 वर्षों तक तुम दोनों वृक्ष बनकर ही जियोगे, ताकि इस अवधि में तुम श्री नारायण की कृपा से अपने वातावरण के प्रति सम्मान प्रकट करना सीख पाओ। ये मेरा श्राप है तुम्हें, देवर्षि, श्री हरे नारायण हरे, श्री हरे नारायण हरे, कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि, कृपा श्री हरि नारायण श्री हरि। हमने तो देव ऋषि नारद का अपमान किया था, हम तो इस योग्य भी नहीं थे प्रभु कि हमें आपके साक्षात दर्शन के सहयोग के मिले। प्रभु आपकी लीला, आपका बचपन, आपका हंसना रोना रूठना, आपके नन्हे नन्हे पाँव का पहला पग रखना, आपके श्री मुख से पहला स्वर सुनना, हम इन सबके सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु। हम तो इसके अधिकारी भी नहीं थे, हमसे घोर पाप हुआ था, देव ऋषि नारद के श्राप के योग्य थे। फिर हमने ऐसे कौन से पुण्य के कर्म किए थे जो ये सौभाग्य प्राप्त हुआ प्रभु? अविश्वसनीय है पर सत्य है, श्राप के रूप में एक सोचा समझा आशीर्वाद ही था ये, ताकि तुम दोनों उन विकारों से मुक्त हो पाओ जिनके उन्माद में तुम खो गए थे। एक बार सूर्य से साक्षात्कार हो जाए तो फिर किसी की आंखों में अंधकार वास नहीं कर सकता। ठीक उसी प्रकार जब किसी को ऐसे सद्भक्त से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए जो अपने आराध्य के प्रति पूरी तरह समर्पित हो, तो फिर वो भाग्यशाली सांसारिक वस्तुओं के आकर्षण से या किसी भी प्रकार के अन्य विकारों से ग्रस्त नहीं रह सकता। तुम दोनों भी मुनि नारद के आशीर्वाद के कारण अपने सभी विकारों से मुक्त हो चुके हो। अब तुम स्वर्ग लोक लौट सकते हो। नहीं श्री हरि, हम यही रहना चाहते हैं गोकुल में, आपकी भक्ति की छत्र छाया में प्रभु। पर शीघ्र ही मैं सेम भी नहीं रहूंगा, इसीलिए अब तुम भी जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। मेरी भक्ति की इच्छा तुम्हारे हृदय में जाग चुकी है, अब कभी भी तुम अपने पद से नहीं भटकोगे। आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण, आप धन्य हैं श्री कृष्ण, आप धन्य हैं नारायण। मैंने ये तो सोचा ही नहीं कि ये सब देखकर मैया क्या सोचेगी। कान्हा! 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 कान्हा तू ठीक तो है ना? हाँ लल्ला, तुझे कुछ हुआ तो ना? हाँ लल्ला बता, तू ठीक तो है ना? कान्हा! कान्हा! क्या हो गो? मैंने इसे ओखल से बांधा था जी, दंड देने के लिए। पता जाने कैसे जी बड़े बड़े वृक्ष गिर गए,
इसे कछु हो जाता तो? कान्हा, तुझे कहीं चोट तो ना लगी? हाँ, पीड़ा हो रही है? नहीं बाबा, मैं ठीक हूँ। भैया मुझे कछु ना हुआ, चिंता मत करो। वो कैसे ना है, जब देख तेरे पेट पे इतने बड़े बड़े चिन्ह बन गए। मुझे क्षमा कर दे लल्ला, अरे तुझे इतना कड़ा दंड देती हूँ। बोल अपनी भैया, क्षमा करेगा ना? आप मेरा हित चाहती हो ना, इसलिए आपने मुझे दंड सीख देने के लिए दिया था ना। वैसे मैया का दंड आशीर्वाद जैसा ही होता है, तभी तो देखो मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कान्हा सही कह रहे हो जसोदा, जे तेरे दंड के चिन्ह है, जे तो तेरी सीख के प्रतीक हैं। मैं तो कहता हूँ हाथ से हर मैया को अपनी लल्ला के उदर पे दान के चिन्ह बनाने चाहिए, ताकि उनकी सीख सदैव उनकी लल्ला के साथ रहे और उसे स्मरण कराती रहेगी। अब से वह कुछ अनुचित करेगा ना ही उसके साथ कछु अनुचित होगा। एक बार के दंड में इतना सयाना हो गया तू? मुझे पता होता तो तुझे पहले ही दंड दे देती। और मुझे पता हो तो कि बाद में आप मुझे इतना प्रेम करोगी तो मैं पहले ही दंड ले लेता हूँ। पर चाहे इतने विशाल और बलशाली वृक्ष अपने आप गिरे कैसे? बाबा, गोकुल के आसपास के स्थानों पर तीव्र गति से सूखा फैल रहा है, कहीं इसी कारण तो ना गिरा ये सूखा? आज तो बाबा ने बचा लिया, नहीं तो आप मैया को क्या उत्तर देते प्रभु कि कैसे पहुँचे यहाँ और कैसे गिरे ये वृक्ष? मैं तो बच गया मुरली, पर गोकुलवासी कैसे बचेंगे? बहुत बड़ा संकट आ गया है इनके सामने।